महत्वाकांक्षी योजना है और मेरे ख्याल से अगर हम बैंकिंग के इतिहास में देखें और आर्थिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी स्कीम अभी तक की है आज़ादी के बाद। और इसमें लक्ष्य किया गया है कि जो 7.5 करोड़ परिवार जो लगभग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने से रह गए हैं उनको 26 जनवरी 2015 तक अगले 6 महीनों के अंदर उनको बैंकिंग से जोड़ा जाए। साथ में उनको एक डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा पूरे परिवार के सदस्यों को होगा और आगे चलकर उसी में 30,000 रुपए का जनरल बीमा भी सभी में जुड़ा जाएगा उसमें। और इसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र जो है सीधे बैंक खातों के माध्यम से किया जा सकेगा जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण उसमें पहल होगी। देखिए हम लोग एक तो मंदिर का पूरा विकास कर रहे हैं, एक मास्टर प्लानिंग जो 2012 में हम लोगों ने की थी उसको लगभग क्रियान्वित करने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ जनवरी तक हम लोग लगभग पूरे कार्य कर लेंगे। इसके साथ साथ ही हमने इसको सोशल सेक्टर में भी अब जोड़ने का प्रयास किया है क्योंकि दान तो हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है तो सोसाइटी से मिला हुआ दान सोसाइटी के काम आए, इसलिए हमने एक हॉस्पिटल का काम हमारा तेज़ी से चल रहा है तो दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा और जनवरी से हम लोग प्रारंभ कर देंगे उसमें डायलिसिस सेंटर, सोनोग्राफी, डायग्नोस्टिक और OPD। इसके साथ ही एक प्राथमिक शाला के माध्यम से भी बहुत जल्द हम लोग प्राथमिक शाला का निर्माण भी शुरू करेंगे जिसमें आसपास के सभी गरीब बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा हम लोग यहाँ से। देखिए यहाँ पे गणेश चतुर्थी पे ध्वजा पूजन आज किया जाता है और नई ध्वजा चढ़ाई जाती है, आज उसका पूजन संपन्न हुआ और 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया जो कि प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने यही कामना की है कि देश की समृद्धि और विकास हो और साथ में प्रदेश और हमारे जिले और शहर का भी सतत और तेज गति से विकास हो और गरीबी दूर हो और सब लोग सुखी हों और संपन्न हों।